अभी देखो स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 रेशनल एंड इरेशनल नंबर हम लोग का चालू था, जो अभी तक लेक्चर 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग का क्या है लेक्चर 3, जिसमें से हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.3 1.2 तक हम लोग का लेक्चर 2 तक कंप्लीट हो गया था। अभी लेक्चर 3 में हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 पढ़ना है, और इस लेक्चर में आप लोग को वीडियो पूरा देखेंगे बिना स्किप के, तो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.3 एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और देखो इसमें हम लोग को प्रैक्टिस सेट 1.3 में एकदम सिंपल से जो आज तक हम लोग बेसिक करते आए, क्या करते हैं डिवाइड। देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर आपको पता है m अपॉन n के फॉर्म में कोई नंबर दिया रहेगा, इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, मीन्स हम लोग को क्या करना रहेगा डिवाइड करना रहेगा। और आपको बेसिक डिवाइड तो आता ही है, नॉर्मल से एकदम सिंपल मैं आपको बताऊंगा तो आप फटाफट कर लोगे। तो अभी इसके लिए हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया है, सपोज हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या हम लोग के बुक में दिया 9/37, 9/37 दिया है। अभी देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, एकदम बेसिक मैं आप लोग को डिवाइड करना बताऊंगा। तो अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 9 जो ऊपर वाला लिखा रहता है उसको हम लोग को न्यूमरेटर को कभी भी अंदर लिखते लिख दिए, और डिनोमिनेटर को हम लोग को कहां लिखते हैं बाहर, 37 हो गया। अब ये हम लोग को क्लियर करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले अब हम लोग को पता होना चाहिए क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना है। अभी एक नंबर दे तो इसके हिसाब से आप पॉइंट देकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना आपकी इच्छा करता है जीरो लगा लेंगे, कोई बात नहीं। बट डेसिमल लगाने के बाद यहाँ क्या करोगे आप, डेसिमल लगाने के बाद आप 4, 5, 0 बढ़ाओगे, आपको क्लियर एकदम दिखेगा, और उसके बाद आप क्या करो उसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को कुछ आंसर आएगा, वही हमारा डेसिमल फॉर्म में रहेगा। तब तक सॉल्व करने के जब तक कोई रिपीट ना होने जाए, जो हम लोग करते रहे वही रिपीट ना हो तब तक हम लोग को क्या करने का, सॉल्व करने का। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डिवाइड करने का एक तरीका बता दूं, हम लोग को 37 का है, अभी हम लोग को 37 का टेबल आता नहीं, तो हम लोग को 37 का क्या करने का टेबल बना लेने का, एकदम सिंपल तरीका। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर, बाकी सब जितना आप लोग को 5 क्वेश्चन है पांचों क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट आपको एक क्लियर में बेसिक एकदम क्लियरली बताऊंगा किस हिसाब से, अगर आपको आज तक डिवाइड में प्रॉब्लम रहेगा, अगर इस वीडियो को आप क्लियरली देखोगे तो आप लोग को डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 37 से हम लोग को 9 में डिवाइड करना है, तो 37 का आपको टेबल नहीं आता तो किस हिसाब से करेंगे, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। हम लोग को 2 का टेबल बनाने आता है, 2 1 जा 2, 2 का इंटू 1 में करते हैं हम लोग को 2 टेबल बनता है, इसे हम लोग को 37 का टेबल बना लो। तो 37 का इंटू 1 में करोगे 37 आता है, कितना आता है एक मिनट रुकिए, क्या करोगे अगर 37 का इंटू 1 में करोगे कितना आता है 37 आता है, 37 का इंटू 2 में करो कितना आएगा, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 3 जा 6 8 7 आ गया। ऐसे हम लोग को डिवाइड करना 9 तक जाना है, तो 9 तक हम लोग को सबसे पहला फॉर्मेट बना लेने का, 37 का टेबल 3 बार करो, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9 और 2 कितना होता है 11 हो गया। अभी 13 7 जा 4 कितना होगा, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 3 जा 12 12 2 कितना होता है 14 हो गया। 37 फाइव जा कितना होता है, 5 7 जा 35 लिख दे कैरी 3, 5 3 जा 15 15 3 कितना होता है 18। अब इसे हम लोग को क्या करना है 37 में ना, 37 × 6 6 7 जा कितना होता है 42, 42 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 40 कितना 4 कैरी हो जाएगा, 6 3 जा कितना होता है 18, 18 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे 22 इतना होगा। अगर हम लोग का क्या 37 × कितना हो गया 6 हो गया। अब 7 में 7 7 जा 49 कैरी 4 और 7 3 जा 21 और 21 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे कितना हो जाता है 25, हम लोग का 7 बार होगा। अब 8 9 का करना है, 37 9 जा 8 जा कितना हो जाएगा 8 7 जा हम लोग का कितना होता है 56 कितना होता है 8 7 जा 56 होता है, तो 6 लिखेंगे, 8 3 जा कितना होता है 24, 24 में अगर हम लोग क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब 37 जा 9 37 9 जा कितना होता है हम लोग को यही बनाना है, तो अभी क्या है 9 7 जा कितना होता है 63 और 9 3 जा कितना होता है 27 और 27 में अगर हम लोग 6 जोड़ेंगे कितना 27 और 6 कितना हो जाता है 33 कितना हो जाएगा
33 हो जाएगा, तो हम लोग को क्लियरली इतना पता है, 9 7 जा कितना होगा 20 63 और 9 3 जा 27 33 बराबर, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 37 का हम लोग टेबल बना लिए। हम लोग को क्लियरली देखो, आपको मैं सामने से बना कर बताया, ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया आपको बोल दिया टेबल बना लो, बट आपको कितना भी कोई भी नंबर दिया रहेगा आप उसका टेबल ऐसा क्लियर बना लोगे। 9 तक के लिए हम लोग को 1 से लेकर 9 तक का डिवाइड के लिए हम लोग को टेबल चाहिए, आपको क्लियर हो गया। अभी अगर मैं इधर करते रहूंगा इधर करूंगा तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो 37 का इतनी बार टेबल पढ़ना है कि हम लोग का 9 से ज्यादा ना हो, तो हो सकता है क्या? अरे 9 पहले से छोटा है, तो हम लोग का सबसे पहले डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, नियम क्या है कि इस नंबर से ये नंबर हम लोग का बड़ा होना चाहिए, बट ये नंबर क्या हम लोग का छोटा है, तो जा सकता है क्या? नहीं, तो हम लोग 2 नंबर ले लेंगे, बट यहाँ कैसे ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे 0 ले जाएंगे, कितनी बार 0 बार ले जाएंगे, तो 0 आएगा यहाँ पर भी, तो 9 उतर गया, हो गया। अब इस पॉइंट को यहाँ पर दे देंगे, अब उसके बाद हम लोग कितना भी 0 पॉइंट बढ़ा दिए 0 उतार लिए, अब हम लोग का क्या होगा 37 यहाँ दिया है। अब 37 के इतनी बार टेबल पढ़ो, देखो 37 से 90 ग्रेटर है, बड़ा है, बिग है, तो हम लोग 37 को इतनी बार टेबल पढ़ेंगे कि 90 से ज्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ोगे इधर देखने, 1 बार 37, 2 बार 74, 3 बार ज्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग कितनी बार जाएंगे 2 बार, कितनी बार जाएंगे 2 बार, कितना आएगा 74 आएगा, 10 में से 4 जाएगा कितना आएगा 6, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 का 1 हो गया, 10 उतार लिया, फिर 10 उतार लो, हो गया। अब 37 को इतनी बार टेबल पढ़ो 160 से ज्यादा ना हो, 3 बार पढ़ाओ 111, 4 बार 148, 5 बार पढ़ता हूँ ज्यादा हो जाता है, तो हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे 4 बार, कितना आना चाहिए 148, 10 में से 8 जाएगा, इधर कर ही लूंगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ 5, 5 में से 4 गया 1, यहाँ तो 0, लिखते नहीं, लिखेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। अभी इसके बाद हम लोग 10 उतार लिए, देखो फर्स्ट टाइम इसको उतारे थे, सेकेंड टाइम इस 0 को उतारे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे, क्लियर हो गया। अब उतार लो 120, अब कितनी बार देखो 185 हम लोग का कितनी बार में आ रहा है 5 बार में, 4 बार में 148, अभी भी हम लोग का ज्यादा है, अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे 111, हम लोग का 3 बार में कितना 111, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर 120 है, तो मीन्स 111, इतनी बार टेबल पढ़ने का उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, या तो इक्वल आना चाहिए या तो उससे लेस ही रहना चाहिए। 10 में से 1 जाएगा तो 9, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, क्लियर, हम लोग का 9 आ गया। अब हम लोग 10 और बढ़ाएंगे, उतार लिए, अब वापस 90 कितनी बार जाएगा, तो हम लोग को पता है 1 बार पढ़ेंगे 37, 2 बार पढ़ेंगे कितना हो रहा है 74 हो रहा है, क्योंकि 3 बार में ज्यादा हो रहा है, मीन्स 2 बार पढ़ेंगे 74 आएगा। अब 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, और 9 में से 7 नहीं 8 में से 7 जाएगा तो 1। आप ध्यान से देखोगे तो आपको, अभी हम लोग सॉल्व किए थे, क्या सॉल्व किए थे 90 था, हम लोग सॉल्व किए थे, रिटर्न रिपीट होते जा रहा है, मीन्स ये दोनों 0 हम लोग को लिख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी करते जाएंगे उसके बाद रिटर्न वही वैल्यू आते रहेगा, तो मीन्स हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग का ये 2 3 4 आया, अब रिटर्न ये 2 3 4 आएगा, फिर 2 3 4, ऐसे आप लोग करते जाओगे, क्योंकि 16 आया, 10 उतारूंगा, फिर आएगा तो माइनस करूंगा, फिर मीन्स हम लोग का कितना है 2 4 3 तक आया, 2 4 3 रिटर्न, तो हम लोग क्या करेंगे आंसर में लिखेंगे कैसे, 9/37 इक्वल टू 0 पॉइंट, क्या हम लोग का आया 2 4 3 2 4 3, ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट आएगा, 2 4 3 टोटल आएगा, इसके लिए ऊपर एक लाइन घिसते, इस लाइन को बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं बार, ये लाइन घिसते इसको हम लोग क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, कि मीन्स ये तीनों नंबर हम लोग का क्या हो रहा है बार बार रिपीट होएगा, तो हम लोग का इसका आंसर यही आ गया। आप लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 18/42, ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हम लोग को सब दिया, हम लोग को कोई प्रॉब्लम, मैं कराने के लिए सब क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बट हम लोग को क्या आना चाहिए डिवाइड आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी पर्सन आपको कोई क्वेश्चन दे दिया स्कूल में टेस्ट में, या तो हम लोग का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसके लिए आपको मैं एक क्लियरली बताया किस हिसाब से टेबल हम लोग लिख ले, तो हम लोग को कोई डाउट नहीं हुआ, आप लोग को इसको लिखने में जस्ट 2 सेकंड लगेंगे,
टू मिनट्स लगेंगे, आप लोग का कैलकुलेशन थोड़ा वीक रहेगा तो आप लोग करके फटाक से अपना फटाफट कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा। हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में खाली आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में 18 अपॉन कितना दिया है 42। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग को सबसे पहले देखने का क्या दोनों में एक ही टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या, तो अगर एक कैंसिल होता है तो हम लोग को कुछ क्या होता है छोटा नंबर मिल जाता है। तो आप देखोगे 6 के टेबल में दोनों कटता है, 6 3 18 और 6 1 42 मीन्स 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/7 आ जाएगा हम लोग का क्या दूसरे क्वेश्चन के। अब 3 में हम लोग को डिवाइड करना मीन्स 7 का टेबल बनाने में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आप 42 से देना चाहोगे डिवाइड 18 में तो भी कोई बात नहीं, उतना ही आंसर आएगा। बट अगर आप कैंसिल करके छोटा कर लोगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, टेबल पढ़ने में आप लोग को आसानी रहेगा। तो हम लोग का एक क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोग को जो हिंट देना था दे दिया। तो हम लोग को जहां तक हम लोग का रिटर्न होता है वहां तक हम लोग का क्वेश्चन वहीं से हम लोग को स्टॉप हो जाना है जहां से हम लोग का रिटर्न चालू होता है। तो हम लोग को आपको एक ही बात है कि जितनी बार हो सकता है आपको प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है, आप लोग को पूरा डिवाइड क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है, तो इसको आप लोग लिख लो